हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर के गोड़ा मलानी उपखंड क्षेत्र के तेल गैस प्रोडक्शन का कार्य कर रही कंपनी जो कैरन वेदांता के अधीन कार्यरत पेट्रोपैक अधीन काम करने वाली निजी कंपनी न्यूरोस्टेक और टेक्नोग्राफ के मजदूरों को पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, जिसके कारण शुक्रवार को श्रमिकों ने RGT यानी रागेश्वरी गैस टर्मिनल के आगे मजबूरन प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कंपनी की तानाशाह नीतियों की वजह से वो दुखी है और अधिकारियों की नजरअंदाजगी से परेशान होकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, हम लोग जो है वेलपेड 11 वेलपेड 8 में वर्क कर रहे थे। बिन्नी साहब ने आके बोला कि ऐसा है, आप लोग घर मत जाओ, सभी व्यवस्था कंपनी करेगी। तो हम लोग बोले कि ज्यादा दिन बढ़ जाएगा तो हम लोग फंस जाएंगे। तो बोला उसको कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी आप लोगों को तनख्वाह भी देगी, खाना भी देगी, रहने का भी अरेंज करेगी। बाकी जो लोग बीमार पड़ते हैं उनको हॉस्पिटलाइज भी होगा उनका, और सब कुछ होगा, सारी व्यवस्था कंपनी करेगी। अभी हम लोग को कोई देखने वाला नहीं आ रहा है, कौन बीमार पड़ रहा है, कोई डिस्टेंसिंग में है, कौन खा रहा है नहीं खा रहा है, इसके लिए कोई देखने के लिए नहीं आ रहा है। खाना तो मिल रहा है लेकिन हम लोग को जो है कोई किसी का चेक चाक नहीं होता है, उनको है या नहीं है। और जाने की व्यवस्था के लिए जो हम लोग को बोलते हैं पैसा नहीं मिला, गाड़ी लग गई है, जिसको जाना है जाओ, उसके बाद से 800 रुपया 1000 रुपया लगेगा, भरतपुर ले जाके छोड़ दिया जाता है। वहाँ से हमारा मतलब सवारी है कि नहीं है उससे उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। हम लोग कहाँ जाके फंसे, हम लोग को जो है 2 महीने का तनख्वाह दिया जाए, 40 दिन हो गया, 10 दिन ये मतलब आज 8 तारीख हो गया, उनका तनख्वाह दिया जाए और हम लोग को जो है घर पहुँचा। बाहरी श्रमिकों का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण हम यहीं फंसे हुए हैं, हमें पिछले 2 महीने की सैलरी नहीं मिल रही है। जब हम कंपनी के अधिकारियों के पास जाते हैं तब हमें कोई जवाब नहीं देते हैं। अधिकारी हमें धमका कर और ये कहकर अपना पल्ला झाड़ देते हैं कि आगे से पेमेंट आता नहीं तो हम कैसे दे दें। लॉकडाउन के कारण व्यस्त पुलिस और प्रशासन को भी कैरन के इस झगड़े से काफी परेशान होना पड़ा। RGT गेट पर प्रदर्शन की सूचना पर RGT थाना पुलिस मौके पर पहुंची, श्रमिकों से बात की और कहा कि आपकी मांग को लेकर कंपनी के अधिकारियों को अवगत कराएंगे। पुलिस की मध्यस्थता के बाद श्रमिक संघ ने प्रदर्शन समाप्त किया। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।